नमस्ते आदाब सत श्री अकाल किम छू के रहो हाल जय श्री कृष्णा जय जी नींद मोहज ताल पटेल आपके अपने चैनल स्टूडेंट खबरी पर और आज हम बात करने वाले हैं टॉप एमएससी बीएससी बीएफएससी एंड एमएफएससी कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। तो गाइस इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बात की थी कि ऐसे कौन से कॉलेजेस जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं रिलेटेड टू बीएससी एमएससी बीएफएससी एंड एमएफएससी। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। चलो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा आईआईटी कानपुर। ये जो इंस्टीट्यूट है आपका कानपुर में सिचुएटेड है। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है काफी आईआईटी और आईआईटी की ब्रांचेस बहुत अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग प्लेस में, अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट्स में है। तो इसकी एक जो ब्रांच है आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो गाइज अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास कानपुर में भी आईआईटी की ब्रांच अवेलेबल है। साथ ही साथ गाइज मैं आपको बता दूं अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी भी आप अलग अलग कोर्सेज में कर सकते हैं। लाइक आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ले सकते हैं रिलेटेड टू बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, उसके नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन एंड सो ऑन। भाई आप सब सोच रहे होंगे भाई मैं इन्हीं के बारे में क्यों बता रही हूँ आपको रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, साइंस फील्ड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि बी एस सी साइंस के बारे में, एम एस सी के बारे में एंड बी एस सी एंड बी एफ एस एम एफ एस सी के बारे में, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीएससी के बारे में। तो गाइस बीएससी में अगर एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो गाइस आपको 12th पास होना कंपलसरी है विद 50% एग्रीगेट और आपका 12th में पीसीबी सब्जेक्ट होना भी कंपलसरी है। ओनली द पीसीबी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस। इसकी के अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई ऐसे कौन से कॉलेजेस होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, तो चलिए मैं बता रही हूँ आपको। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं गाइस तो वो है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि सिचुएटेड है वाराणसी में। तो गाइस ये जो यूनिवर्सिटी है काफी फेमस यूनिवर्सिटी है और ये सिचुएटेड है वाराणसी में। वाराणसी प्लेस भी बहुत अमेजिंग है, आप वहां जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत अमेजिंग अवेलेबल। इसी के साथ गाइस अगर आप बी एस सी की स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एम एस सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूंगी बीएफएससी के बारे में तो गाइस बीएफएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। फिशरी साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास उसमें भी बहुत सारे कोर्स के अवेलेबल है। लाइक आप वेटनरी में जा सकते हैं, न्यूट्रिशन में जा सकते हैं, डाइट्स में जा सकते हैं एंड सो ऑन। यू गाइस हैव सो मेनी ऑप्शंस टू डू। तो गाइस इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे गाइस तो वो है हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि सिचुएटेड है लखनऊ में। ये जो यूनिवर्सिटी है सिचुएटेड है लखनऊ में। तो गाइस आपके पास लखनऊ में भी बहुत सारे ऑप्शंस इंक्रीज होने वाले हैं। गाइस इसके बाद मैं आपसे बात करूं कि भाई हम एडमिशन के बारे में बात करनी है, आप बहुत कंफ्यूज है कि भाई एडमिशन कैसे हो सकता है, क्या हम एलिजिबल है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल जरूर कीजिए ताकि आप पता कर पाए कि आपके अनुसार कौन से कॉलेज में आप जाने के लिए एलिजिबल है, आपके प्रोफाइल के अनुसार आप कौन से कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल है। तो गाइस इसी के साथ साथ भाई बहुत से ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनके एडमिशन प्रोसेस क्या होती है डिफरेंट होती है। कुछ जो कॉलेजेस होते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, कुछ जो कॉलेज होते हैं वो मेरिट बेस पर एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें गाइस तो वो है हमारा आईआईटी बीएचयू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि सिचुएटेड है वाराणसी में। तो गाइस ये जो इंस्टीट्यूट है आपका वाराणसी में भी सिचुएटेड है। इसकी एक ब्रांच आपको उत्तर प्रदेश में कानपुर में मिलेगी, इसकी एक ब्रांच आपको वाराणसी में मिलेगी। तो आपको जो ब्रांच पसंद है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेज मैं आप जाने के लिए एलिजिबल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे गाइस तो वो है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि सिचुएटेड है अलीगढ़ में। अगर इसके शॉर्ट नेम में एमयू कहते हैं, शॉर्ट नेम एमयू है, एमयू के नाम से भी इसको बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग इसको पूरे फुल नेम से जानते हैं, बहुत से लोग इसको शॉर्ट नेम से जानते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी आपके अलीगढ़ में सिचुएटेड है तो गाइस अलीगढ़ के लिए आप कोई कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूंगी गाइस तो वो है हमारा एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो एमटी यूनिवर्सिटी है ना गाइस, इसकी जो ब्रांच है इंडिया में बहुत से अलग अलग स्टेट्स अलग अलग सिटीज में है, तो इसकी जो एक ब्रांच है उत्तर प्रदेश में नोएडा में भी है। तो अगर आप चाह रहे हैं इस ब्रांच में जाना तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि भाई हमें बाहर नहीं जाना है, हमें हमारे स्टेट हमारे सिटी से बाहर नहीं जाना है, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल कि ये जो इंस्टीट्यूट है आपका वहां पर भी अवेलेबल। इसी में मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूंगी गाइस तो वो हमारा मैनेट इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। ये मैनेट जो कॉलेज ना काफी फेमस कॉलेज है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में है, अलग अलग सिटीज में है। तो उसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो भाई ये कॉलेज का कैंपस भी बहुत अमेजिंग है, साथ ही साथ ये
कॉलेज खुद भी बहुत अमेजिंग है, स्टडी के लिए काफी फेमस है, बट इसमें एडमिशन जो होता है ना वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है, मतलब थोड़ा सा टफ है, आपको मेहनत करने की बहुत जरूरत है। इसी के बाद अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करूंगी, 9th नंबर के पे है हमारा जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। अगेन ये जो कॉलेज है आपका भाई नोएडा में सिचुएटेड है गाइस, तो नोएडा के लिए भी आपके पास ऑप्शन इंक्रीज हो गए। इसके बाद अगर मैं 10th नंबर के कॉलेज की बात करूंगी गाइस, वो है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। लखनऊ बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी है लखनऊ में सिचुएटेड है। तो गाइस ये है हमारे टॉप बीएससी एमएससी बीएफएससी एमएफएससी कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।